नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। संयुक्त राष्ट्र में भारत को बड़ी कामयाबी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से सुरक्षा परिषद सुधारों के लिए बातचीत का दस्तावेज स्वीकार कर लिया है। इससे विश्व निकाय के 70वें सत्र में इस पर वार्ता का रास्ता तैयार हो गया है। इससे विश्व निकाय में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी मजबूत होगी। भारत ने दस्तावेज अंगीकृत किए जाने को ऐतिहासिक और युगांतकारी बताया। उन्होंने कहा है कि अंतर सरकारी प्रक्रिया ने फैसले को औपचारिक तौर पर आधारित वार्ता के रास्ते पर लाया है, जिसे बदला नहीं जा सकता। भारत ने सुरक्षा परिषद सुधार हासिल करने के लिए वार्ताओं की गत्यात्मकता में बदलाव लाने का आह्वान किया है। गौमांस प्रतिबंध पर बुरी फंसी पीडीपी और भाजपा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा राज्य में गौमांस की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण राज्य के दोनों सत्ताधारी दल बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। हालत ये हो गई है कि इस मामले पर दोनों पक्षों द्वारा दिए जाने वाले बयान संबंधों को किनारे पर ले आए हैं। गठबंधन में दरार बढ़ती नजर आने लगी है। सबसे बुरी परिस्थितियों में प्रदेश भाजपा नजर आ रही है, जिसने अब हालत को थामने के खातिर केंद्रीय सरकार की शरण ली है। अभी तक इस मामले पर खामोश बैठी पीडीपी ने कश्मीर में अपना वोट बैंक बचाने के खातिर गौमांस की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के फरमान को मानने से इनकार कर दिया है। नेपाल ने किया हिंदू राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज। नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया और हिंदू बहुल इस हिमालयी देश के धर्मनिरपेक्ष बने रहने पर सहमति जताई। संविधान सभा के इस फैसले का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। संविधान सभा में नए संविधान के अनुच्छेदों को लेकर हुए मतदान के दौरान 2/3 सदस्यों ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव वाले संशोधन को ठुकरा दिया। हिंदू समर्थक समूह राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी नेपाल की ओर से ये प्रस्ताव पेश किया गया था। इस पार्टी ने मांग की थी कि संविधान के अनुच्छेद 4 से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए और इसके स्थान पर हिंदू राष्ट्र शामिल किया जाए।